हाँ भी दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल सर्च नौकरी पे। तो आज अपने एक विशेष नोटिफिकेशन विशेष जॉब के बारे में बात करेंगे। हो सकता है आपकी क्वालिफिकेशन वही हो, तो ध्यान से वीडियो को देखना। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि भविष्य में जो भी वैकेंसीज आए उसकी डिटेल कम्प्लीट टू कम्प्लीट आप तक पहुँचाते रहें। आपकी वैकेंसी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS की जो वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इसमें चाहिए चाहिए। तो ये चीज़ें आपको लास्ट तक देखनी है, कौन कितने तारीख से फॉर्म स्टार्ट है और कौन कौन से कैंडिडेट से फॉर्म भर सकते हैं, कितनी इसमें टोटल पोस्ट आने वाली है, कितने तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कौन सी इसकी लास्ट डेट है, ये सारी बातें अपन करेंगे। बिल्कुल आपको पसंद आएगा। बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन इस वैकेंसी की, जो वन ऑफ कब इसका नोटिफिकेशन जारी, कब से फॉर्म स्टार्ट है, ये सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। इसका देख लीजिए ध्यान से, 2/8 यानी 2 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 2 अगस्त, ठीक है। और लास्ट इसकी तारीख क्या है, 22 अगस्त, लास्ट इसकी क्या है, 22 अगस्त, ठीक है। ये चीज़ आपको देख लेनी है। IBPS की वैकेंसी है, ग्रेजुएशन इसमें अपने जो क्वालिफिकेशन चाहिए, 2 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गए अगस्त 2022 से, और 22 अगस्त 2022 इसकी क्या है, लास्ट डेट है। अपने पास में टोटल 20 दिनों का इसमें टाइम में दिया गया है। अभी अपन बात करते हैं आगे, इसमें बहुत सारी इसमें देखो जो PDF है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आए कम आए ना, तो आप उसकी PDF डिस्क्रिप्शन में देख करके उसकी पूरी डिटेल अपनी कॉपी में उतार करके ई मित्र में जा करके फॉर्म अप्लाई करवा लीजिए, ये चीज़ें, ठीक है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस से इसके लिए 2 तारीख से लेकर 22 तारीख का इसमें टाइम दिया गया है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए सितंबर में आपका कॉल लेटर भी आया, वो भी साथ में दे दिया, ठीक है। सितंबर या अक्टूबर 2000 में आपका कॉल लेटर, कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग सितंबर, ठीक है, ये भी दे दिया। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन पार्लिमेंट्री अक्टूबर 2022 में भी दे दिया, अक्टूबर 2022 इसका भी दे दिया। ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट की जो कंफर्म डेट है ना, वो आइडिया दे दिया कि अक्टूबर 2022 में। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम का जो रिजल्ट है वो भी आपको नवंबर में आ जाएगा। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, मेन एग्जाम का ऑनलाइन कॉल लेटर आपका डाउनलोड कर नवंबर में, इसका भी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें वैकेंसी की PDF में आपको दी गई है, और भी इसमें पेज दिए गए हैं, देख लेते हैं, कोई इंपॉर्टेंट जानकारी होगी वो देख लेते हैं। हाँ, क्वालिफिकेशन की इसमें बात करें दोस्तों, ध्यान से देखिए, क्वालिफिकेशन कैंडिडेट शुड प्रोसेस डिग्री, कैंडिडेट कोई भी डिग्री अगर कर रखी है, ग्रेजुएट अगर है, तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और वैकेंसी डिटेल बात करें, SI जो अपने पोस्ट नेम है, CRP POMT 6432 पोस्ट है। दोबारा बता देता हूं, 6432 इसकी टोटल भर्ती में पोस्ट निकली हुई है। IBPS में कंप्लीट है, ग्रेजुएशन इसकी क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए। फॉर्म इसके 2 तारीख से स्टार्ट हो गए, अंतिम तारीख इसकी क्या है, 22। बैंक इसमें कौन से पार्टिसिपेट है वो देख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इंडिया, इंडियन ओरिजिनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे इसमें क्या है, पार्टिसिपेट है। द टेंटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट इज फॉलो एक्टिविटी, तारीख ये आपको दी गई है, 2 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 22 इसकी लास्ट है। और पेमेंट एप्लीकेशन मोड का भी चार्ज आपको ऑनलाइन करना होगा, 2 तारीख से स्टार्ट है और 22 तारीख की लास्ट है। ग्रेजुएशन हो तो आप बैंक लाइन में IBPS का फॉर्म भर सकते हो। डाउनलोड सेंड टू सेंड वही आ गया, कॉल लेटर आपका कब से 2 तारीख, जो भी आपको कंप्लीट डिटेल PDF में मिल जाएगी, कब से कॉल लेटर है, कब से आपका प्राइमरी एग्जाम का जो भी मेन एग्जाम है उसका कॉल लेटर मिलेगा। तारीख इसमें आइडिया आपको दिया गया है, महीना इसमें दिया गया, कन्फर्म तारीख नहीं दी गई। नेशनल सिटीजनशिप आपको देख, इंडिया आपको, नेपाल हो, भूपान हो, भूटान हो, तो ये सारे आपको नेशनलिटी दी गई है कि कौन कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जो किस किस क्षेत्र के हो फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, आपके मिनिमम में 20 साल, यानी मिनिमम आप 20 ईयर के होनी चाहिए, और मैक्सिमम इसमें दिए गई है 30 ईयर। मैक्सिमम कितनी दी गई है, 30 ईयर, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एज यानी आप इतनी उम्र के होने चाहिए, 20 साल से तो फॉर्म प्रारंभ होगा, और लास्ट आपकी अधिकतम 30 ही ईयर होनी चाहिए। बात करते हैं रिलेशंस ऑफ अपर एज लिमिट, कैटेगरीज के अकॉर्डिंग एज लिमिट का जो आपको दिया गया है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्रिबल, ठीक है, SC ST के लिए दिया गया 5 साल का आपको एज रिलेशंस दिया गया है। अदर बैकवर्ड जो क्लासेज है, नॉन क्रिमिनल लेयर से 3 साल का इसमें बेनिफिट दी गई है। पर्सन विद बेंचमार्क
2016 पर्सन विथ डिसबिलिटीज एक्ट 2016। तो ये सारी एज लिमिट अपन अपने को लेसेंस के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट दी गई है, किसी में 5 ईयर की, किसी में 3 साल की, किसी में 10 साल की और किसी में 5 साल की। तो ये आपकी बेसिक जानकारी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज 22/8/2022, जब आप फॉर्म की अंतिम तारीख 22 तारीख है ना, इस तारीख तक आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो एजुकेशन है वो क्या होनी चाहिए, ध्यान से देखिए। ए डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी किसी डिग्री यानी ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपकी क्या होनी चाहिए, यूजी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट पोसेस्ट वैलिड मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट दैट सी दिस ग्रेजुएट ऑन द डे हैव रजिस्टर्ड इन द इंसिडेंट परसेंटेज ऑफ मार्क ऑप्टेन इन ग्रेजुएशन वाइल रजिस्टर ऑनलाइन। ये सारी चीज़ें आपको दी गई है, जो भी ग्रेजुएशन आपने कर रखी है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। All the education qualification mentioned should be from a university, institute, board recognized of government of India, approved by government of regulatory bodies, and the final result should have been declared on a before 22/8/2022 से final 22/8/2022। तो ध्यान से दीजिए 22 तारीख लास्ट डेट है ना, इससे पहले पहले आप जो भी ग्रेजुएशन आपने कर रखी है तो इससे पहले पहले आपका फाइनल रिजल्ट आउट होने का सर्टिफिकेट आपके पास में क्वालिफिकेशन आपके होने चाहिए। तो ये एक छोटी सी वैकेंसी के बारे में जानकारी है, अच्छी पोस्ट है तो हो सकता है इसके बारे में आप जरूर जानकारी लीजिए। पोस्ट डेट 1/8 को आपको रिलीज हुई थी और लेटेस्ट अपडेट 2/8/2022 को दी गई है। 6,432 की टोटल क्या है पोस्ट है, टोटल इतनी वैकेंसी है। IBPS बैंक की ब्रीफ इंफॉर्मेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग प्रोफेशनल सिलेक्शन IBPS हैज पब्लिश्ड ए नोटिफिकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ CRPPOMT 11th वैकेंसी। दूज कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन द वैकेंसी डिटेल्स कंप्लीट, यानी कंप्लीट डिटेल्स आपको दी दी गई है, जो भी इंटरेस्टेड है कंप्लीट आप फॉर्म में भरवा सकते हैं। फॉर अदर RS 800-850 कैंडिडेट शुड भी, यानी इसमें जो पेमेंट मोड भी आपको कुछ एक बताया गया है, आप एक बार और PDF में देख के चेक कर लीजिए क्या क्या पेमेंट मोड रहने वाला। ऑनलाइन फॉर्म में अप्लाई करोगे ना तो आपका क्या चार्ज लगेगा। इंपॉर्टेंट डेट आपको मैंने पहले बताई थी, 2/8 को इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, 22 इसकी लास्ट डेट है। बाकी इसकी डेट ऑफ डाउनलोड कॉल लेटर आपका हो सकता है 7 अक्टूबर कॉल मिले, और PET यानी जो प्राइमरी जो एग्जाम है आपका उसका भी 7 अक्टूबर में कॉल लेटर आपको मिल जाएगा। तो देखिए इस प्रकार की जो IPS की जो वैकेंसी है और फॉर्म अप्लाई कीजिए, हो सकता आपको वैकेंसी अच्छी लगे और ग्रेजुएशन अगर पास हो जरूर आप इसमें फॉर्म भरवाइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार वैकेंसी के साथ। इसी चैनल पे जुड़े रहिए ताकि आपको भविष्य में जो भी पर डे के हिसाब से गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो जो भी वैकेंसी आती है उसकी डिटेल हम तुरंत ही इस चैनल पे अपलोड करेंगे, और अपलोड तभी आप तक पहुंच पाएगी जब आप दिए हुए सब्सक्राइब के रेड कलर का जो बटन है उसको सब्सक्राइब करोगे। तो अगर सब्सक्राइब करोगे तभी अपन जुड़ पाएंगे, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको जो भी जस्ट ही नोटिफिकेशन डलते ही आप तक जल्द से जल्द जो वीडियो है वो पहुँच जाए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।